नहीं बदल पाते हैं, ऐसी तमाम ऐसी बातें हैं जिनमें हम बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जानते हैं क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बहुत आसान सा रीजन है। हम पिछले 10 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से, 25 साल से जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हाउस लेडी है, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी धीरे से आदत में शामिल हो चुका है। कहां शामिल हो चुका है? आदत में शामिल हो चुका है। अब किसी की आदत बदलना बहुत मुश्किल काम है। और अगर खुद की आदत के लिए आपको कभी समझना है तो बस हर दिन एक बार सोच करके देखिए कि मैं आज 4 बजे सो करके उठूंगा या उठूंगी और जाऊंगी एक्सरसाइज करने या मॉर्निंग वॉक करने। कितने लोग जाते हैं आप में से एक्सरसाइज करने, मॉर्निंग वॉक करने? सभी नहीं जाते, 4-5-6 हाथ उठे। लेकिन ये जो नहीं हाथ उठाए हैं, इनके मन में आता जरूर होगा कि यार हम भी आज 4 बजे उठेंगे, अलार्म लगाते जरूर होंगे कि हम भी जो है 4:30-5 बजे का अलार्म लगा करके जाएंगे, है या ना? Yes. करते जरूर होंगे मेरी तरीके से अलार्म लगा करके। और जब 4:30-5 बजे का अलार्म बजता होगा तो क्या बदलना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं बदलना चाह रहे? क्योंकि हमको उसी में मजा आ रहा है, हम उसी में मजा पा रहे हैं, वो हमारा कंफर्ट है। और जब तक हम उस कंफर्ट से बाहर नहीं आते हैं, हम बदलाव के बारे में सोच नहीं सकते। दूसरों के बदलाव के बारे में हम सोचते हैं ये बदल जाए वो बदल जाए, लेकिन जहां से बदलाव होना चाहिए वहीं पर नहीं हो पाता। और उस बदलाव में जहां सबसे पहले इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए बदलाव करने की जरूरत होती है वो होती है सोच। कुछ पॉइंट्स हैं, सोच के बाद आपको सपने देखने होंगे, उसके साथ साथ ज्ञान बड़ा करना होगा, उसके साथ साथ आदत आपको बदलनी होगी, आपको संगत बदलनी होगी, और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन में रहना, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बहुत से लीडर, बहुत से स्पीकर आकर के ये बता करके गए होंगे, ऐसा नहीं मैं कोई पहली बार बता रहा हूं, लेकिन ये जो बात है इसे थ्योरी बना करके हम चलेंगे तो हम रियल में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगर हम वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं, मिलेनियल माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं, मिलेनियल बनना चाहते हैं, तो हमें ये काम करना, ये करना ही करना होगा। मैं करता हूं, अगर नहीं करता तो मैं बताता ही नहीं। शुरू से मेरी ट्रेनिंग की ये आदत रही है कि मैं नहीं करता हूं तो बताता ही नहीं, और हर दिन अपने को बदलने के लिए मैं खुद भी तैयार रहता हूं। तो एक एक करके हम लोग कुछ मुद्दों पर, इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इंडिया में कब हुई होगी? 2000 ठीक है। डीएफएसएल की शुरुआत कब हुई इंडिया में? 1993 भारतवर्ष में, सन 2000 में। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई इंडिया में? दोनों का जवाब एक तो नहीं हो सकता। 96 ठीक है। 96 से शुरुआत हुई और आज 2019 लास्ट, कितने साल? 25 साल। ये जो समय गुजरा है इसके पीछे अगर हम जाकर के देखें तो जो जीवन यापन का तरीका था या जो जरूरतें पूरी करने का जो हमारे पास तरीका था, वही तरीका हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए आज भी हावी है। क्यों? क्योंकि वो
पिछले 20 साल से 25 साल से 30 साल से 50 साल से हमने उस पैटर्न को देखा है, हमने उस पैटर्न को जाना है और हमने देखा है कि 25-50 हजार रुपए लोग कमा लेते हैं उस पैटर्न पर जा करके। तो उसी की शिक्षा हम देते भी हैं और उसी की शिक्षा हम लेते भी हैं। ये बहुत बड़ा सच है, हमारे दिमाग में वो पिक्चर ही नहीं बन पाती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग ने जब 96 में शुरुआत किया, तब अगर आप किसी को ये बताते अपनी सोच बदलने के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सोच पर काम किया, मुझे अच्छे से याद है सन 2000 में जब मैं इस इंडस्ट्री को समझ रहा था तब 64 करोड़ की ये इंडस्ट्री थी। कितने कितने 64 करोड़। अभी आप सबके पास व्हाट्सएप पर घूमता होगा, इंफॉर्मेशन आती होगी, फिक्की एसोसिएशन वगैरह संस्था जो है वो बोल रही है, क्या बोल रही है कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। 2025 सिर्फ और सिर्फ 25 वर्षों में 64 करोड़ उठकर के कहां जा रहा है, 64,000। कितने परसेंट की ग्रोथ है 25 सालों में, कितने परसेंट की? गणित मेरी कमजोर है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मुझे नहीं मालूम, मैं आप कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा 64,500 और 64,500 रुपया नहीं, 64,500 करोड़ लगाया उसके साथ। लेकिन जो लोगों ने सोच उस समय बदली जब 64 करोड़ की इंडस्ट्री थी और आज जिस जगह पे इंडस्ट्री खड़ी है, उन्होंने कुछ पैसा बनाया या नहीं बनाया? बनाया, और अच्छा खासा पैसा बनाया। ऐसे तमाम नाम आज डीएक्सएल में भी आप जान सकते हैं कि उनकी लाइफ बदली, जिनमें से एक नाम अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रोफेसर के एन वसुबल्लैया साहब की, मिलेनियर से बिलेनियर, मिलेनियर से और आगे की दुनिया उन्होंने देखी इस जगह आकर के। डीएक्सएल बुद्धिमान सलीम की बात कर लीजिए, ऐसे और तमाम डीएक्सएल के टॉप अचीवर्स की बात कर लीजिए जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आकर के बड़ा अंतर पैदा किया, अपने जीवन में बड़ा अंतर पैदा किया। आज हम लोग 2019 में खड़े होकर के इस इंडस्ट्री पर बातचीत कर रहे हैं, कहां पर काम करने की बात कर रहे हैं, सोच पर। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 साल का समय है, उस 64,500 करोड़ में अपना शेयर लिखवाने का आया ना? Yes. हमारे पास है, और अगर हम यंग है तो हमारे पास और एनर्जी के साथ है। 64,500 करोड़ में अपना शेयर लिखने का हमारे पास राइट है, इस बात को समझना है कि हम वो शेयर कितना लिख सकते हैं। लेकिन डालना कहां होगा? सबसे पहले यहां पर डालना होगा। मैं अक्सर अपनी मीटिंग में पूछता हूं कि भैया ताजमहल पहली बार कहां बना, तो लोग जवाब देते हैं आगरा में। मैं आपसे अभी पूछूंगा भी नहीं, जवाब भी नहीं मांगूंगा, लेकिन अक्सर यही मेरे सामने आता है कि भैया ताजमहल पहली बार कहां बना, लोग क्या बोलते हैं? आगरा में बना। लेकिन ताजमहल पहली बार अगर कहीं पर बना तो किसी के यही पर बना, सोच में बना। समझ में आ रही है बात? जब वो सोच में आ गया तब छोटा नहीं सोचना है, सोचना है तो कैसा सोचना है, क्योंकि सोचने में कितना पैसा लगता है? क्यों सर, कितना पैसा लगता है? ये स्लोगन है, आग लगा लो सीने में जब तक लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये स्लोगन नहीं चलता था। क्या चलता था? ये स्लोगन बदला कब? जब डीएक्सएल में आईओसी आया तब बदला। लेकिन क्या हम बदल पा रहे हैं अपने आप को यहां से?
ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्या हम अपने आप को बदल पा रहे हैं यहां से? अगर हम अपने आप को बदल पा रहे हैं इस सोच से, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में करोड़ों आएंगे ही आएंगे। वो 10 साल बाद आएंगे, 15 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ऑफ अब तो MLM इंडस्ट्री ने सही दिशा में लड़ाई ले ली है। एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए। जब आप सोच बना लेंगे तो जिंदगी दो तरीके से चल रही है, एक जरूरतों की जिंदगी चल रही है, जहां पर आप जी रहे हैं, जहां पर आप चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो करते हुए आप अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आना है, डायरेक्ट सेलिंग में आना है, तो भैया इसलिए मत आइए कि आप अपनी जरूरत पूरी कर सकें। अगर इस सोच के साथ आपको आना है तो कृपया आप वही काम करिए जो कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने की जरूरत नहीं जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लाख, दो लाख, दस लाख और करोड़ की बात सोच सकते हैं, तो वो सोच आपके हर उस सपने को पूरा कर देगी जो जरूरतों से ऊपर है। और जरूरत तो सिर्फ इतनी है ना, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा किसी को जरूरत है क्या? है क्या? कत्ते इतनी ही जरूरत। लेकिन सपने इससे बड़े। आया ना, 100 रुपए मीटर वाले भी कपड़े आते हैं और 1000 वाले भी आते हैं, 10000 वाले भी आते हैं। आया ना, हमारे इलाहाबाद के बगल में एक शहर लगता है बनारस, सुना है आप लोगों ने? बनारसी साड़ी सुनी है? नहीं सुनी है? यस। सुनी है ना? कितने लोगों ने पहनी है यहां पर? एक दो। तो उसमें भी रेंज आती है, आया ना, सही बोल रहा हूं, उसमें भी रेंज आती है, 10000 वाली भी आती है, लाख दो लाख वाली भी आती है और उसके ऊपर वाली भी आती है। और वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जब आप अपने शहर में रह करके किसी कपड़े की दुकान में घुसते हैं सूट लेंथ देखने के लिए या साड़ी देखने के लिए, तो वो दुकानदार कुछ भी दिखाने से पहले क्या पूछता है आपसे? ऐसे पूछता है क्या? हाँ ऐसे ही पूछता है। हाजी आपका रेंज क्या? आपका रेंज क्या? ऐसे पूछता है। अगर मुझे दुकानदार बना दिया जाए तो मैं ऐसे पूछूंगा, सर मेरी दुकान में तो बहुत सी चीजें रखी हुई हैं, आपकी क्या औकात है बताइए, मैं वही। अगर मैं ऐसे प्रश्न कर दूं तो क्या होगा? पहले दो मारेगा, यस और नो? पहले दो मारेगा, दिन अगले दिन से मेरा शटर डाउन, यस और नो? लेकिन सच्ची में पूछता तो वही, पूछता तो वह यही है। और हर बार हम मुस्कुरा करके अपनी औकात बता करके आते हैं, लेकिन बदलाव करके हम अपनी औकात बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोच पाते। ये सोचना पड़ेगा। ये आपको अगर कहीं पर मिल सकता है तो DXL MLM में आकर के, जब आप सोच पर काम करेंगे तो ये सपनों के तरीके से आपके जीवन में आ जाएगा। देखिए एक वीडियो आपको दिखाता हूं, सोच और सपने कहां से कहां लेकर के जाते हैं आप देखिए बहुत ध्यान से। ये मूवी का एक वीडियो है, देखे हैं।
व्यक्ति के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ ये कहानी है। यह हर इंडिविजुअल के साथ कहानी है। हम जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस माहौल से निकल करके आते हैं, सपने देखना ही गुनाह है। और अगर गलती से कहीं पर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं हम, तो पागल घोषित कर दिए जाते हैं, मारे जाते हैं, थपड़ियाए जाते हैं, पीटे जाते हैं। इसमें मुझे अपनी भी घटना याद आ जाती है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो 21-22 साल का ही था सिर्फ, और 21-22 साल की अवस्था में जब इस इंडस्ट्री में आया तो बोलने की भी तमीज नहीं थी, मंच पकड़ने की तमीज नहीं थी, और जाकर के जब बात करता था तो मेरे रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ये सब कहां आलतू फालतू के चक्कर में पड़ गए हो, जाओ कोई कोर्स कर लो, पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जब कुछ नहीं बचा तो बोले चलो अच्छा मास्टर ही बन जाओ, ये बीएड जाकर के कर लो। घुस गई थी इंडस्ट्री। जो अभी ये मूवी का ट्रेलर आप देख रहे थे, क्लिप थोड़ी सी, एक मूवी है, देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन जिसके ऊपर बनी है वो समझना बहुत जरूरी है कि किस पृष्ठभूमि से निकल करके वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बना। जहां पर उसके पिताजी कहते थे सपना मत देखो, उसने सपना देखना शुरू किया, बिजनेस करने के बारे में सोचा और भारत की बड़ी कंपनी बनकर के उभरा है ना। और सिर्फ वहीं पर उसका सपना नहीं रुक गया, उसके बाद क्या हुआ, दुनिया की नंबर वन कंपनी बनने के सपने पे वो आज भी काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। हर दिन हमारे पास भी सपना आता है, हर दिन हमारे पास भी सपना आता है, और वो सपना हर दिन आने के बाद हमसे पूछ करके चला जाता है कि भैया भैया दीदी पूरा करवो कि टूट जाओ। हमारे लाहौर में ऐसे ही बोला जाता कि ये वाला जो ख्वाब मैं आया हूं, ख्वाब बनकर के आपके विचारों में, इसको पूरा करोगे कि इसको भी तोड़ करके किनारे करोगे। हर दिन सपना हमसे कोई ना कोई आकर के पूछ जाता है, आया ना, पूछ जाता है, और पूछ जाता है तो दिक्कत हम ही क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं बदल पाते हैं, हम अपने सपनों को ताकत नहीं दे पाते हैं, हम अक्सर अपने सपनों को तोड़ देते हैं, और अगर तोड़ देते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। क्यों तोड़ दे रहे हैं आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में आकर के लोग अपने सपने को, क्यों असफल हो जा रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, और वो है उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। आज अगर इस मीटिंग की ही बात कर ली जाए, महीने डेढ़ महीने दो महीने से प्रमोट हो रही होगी, है या ना। जितना मुझे मालूम है कंपनी 3 महीने का शेड्यूल बनाती, 3 महीने पहले उसने मेरा टाइम लिया था, लेकिन बहुत से ज्ञानी बैठे हुए, ढेर सारे ज्ञानी है, ठीक है वो ज्ञानी है, लेकिन उनका नेटवर्क कोई जरूरी नहीं है ना। ज्ञानी है, नेटवर्क को बैठाना है ना, टीम को बैठाना है, क्योंकि जब टीम कमाएगी तब आप कमाएंगे। यस, आप कमाएंगे तब टीम कमाएगी, कौन सा सही है, कौन सा सही है, टीम जब कमाएगी तब आप कमाएंगे, जब टीम का भला होगा तब आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और ज्यादातर लीडर कहां पर चूक कर जा रहा है, हम कमाएं, हम कमाएं, टीम कमाएगी तब जब टीम ज्ञान के चक्र में अपने को डालेगी, टीम कमाएगी तब जब वो सीखेगी। मैंने बोला ना, क्या बंद तो क्या बंद, सीखना बंद तो, और सीखना है तो जीतना है।
एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर डाल दीजिए। आज लगभग 23-24 हजार लोगों का बहुत छोटा सा नेटवर्क है, लेकिन ये जो 23-24 हजार लोगों का नेटवर्क है मेरी पहुंच सब तक तो नहीं है, और 23-24 हजार के नेटवर्क में सब एक्टिव भी नहीं होंगे, यस नो? लेकिन जो एक्टिव है और जो टच में है उनके घरों में चार्ट पेपर पर मैंने लिखवा करके लगवा दिया है, जीतना है तो और हर दिन वो सुबह उठकर के देखे करते हैं, और जो कर रहे हैं मैं देख रहा हूं। जब मैंने ज्वाइन किया था एक स्टार एजेंट जब बनता था तो 3,000, 4,000, 5,000 या 10,000 पीसी बड़ी मुश्किल से होती थी उसकी, क्यों सर? पवार सर समय सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सिंह साहब पहले के जमाने में जब स्टार एजेंट बनते थे लोग जुड़ते 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 तो कितनी पीवी होती थी? बमुश्किल 10,000 पहुंच पाते थे। लेकिन अभी वही काम करने वाला है, वही नेटवर्क है, वही सिखाने वाला है, लेकिन जब हमने सही सोच सही सपने और ज्ञान के अंतर्गत काम किया और जीतने और सीखने के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया तो अब वही स्टार एजेंट 20,000, 25,000, 50,000 इवन 70,000, 70,000, 80,000 मैं अपने नेटवर्क की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, करते हैं। मेरे बीच में एक साहब आए हुए हैं, मेरी मुलाकात इनसे डोरी घाट में हुई थी, श्री राजकुमार जी पति पत्नी अभी स्टार एजेंट पिछले महीने मेरे नेटवर्क में डेप्थ में है। कितनी पीवी है आपकी पिछले महीने की? पिछले महीने 19,190। उसके पीछे 13,360। ये जो 13,000 से 19,000 गए और 19,000 से इस महीने कितने हजार पे जाएंगे? 26,000 प्लस। ये क्या है कहानी? ये 30-50% की ग्रोथ की कहानी पर काम हो रहा है, ये हो रहा है, आपको भी करना होगा। और ये ऐसे नहीं होता है, ये सब सीख करके हो रहा है। और हर महीने का 20 तारीख को पिछले महीने की गई पीवी कवर करने